पंचायत में जितेंद्र कोहली ने सरपंच पद पर 149 वोट से जीत हासिल की। अटरू में कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर पंचायत समिति के उम्मीदवार और जिला परिषद के उम्मीदवारों के टिकट के लिए आवेदन मांगे गए। अनादशाजी कस्बे में पंचायत चुनाव को लेकर लोग उत्साहित नजर आए, भारी संख्या में मतदान हुआ। समरानिया में एक 95 साल की बुजुर्ग ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया, परिवार के लोगों की मदद से पोलिंग बूथ तक पहुंची थी। शाहबाद में ग्राम पंचायत में एक 90 साल की बुजुर्ग महिला ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सादुल शहर की पंचायत बैरामपुरा में परमेंद्र खींचड़ के सरपंच बनने पर समर्थकों ने होली खेली। सादू शहर के गादरखेड़ा गांव में बिंदु सिंह सरपंच बने हैं, जिस पर समर्थकों ने होली खेलकर और ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया। डोगा में बार एसोसिएशन की तरफ से नव निर्वाचित सरपंच का स्वागत साफा पहनाकर और शॉल उठाकर किया गया। डूंगरपुर जिले की रोहनवाड़ा पंचायत की नवनिर्वाचित सरपंच रेखा देवी ने अपना पदभार संभाल लिया, विकास को पहली प्राथमिकता बताया। बिरसा पंचायत में दूसरी बार रेखा देवी ने रोत ने अपनी जीत दर्ज की है, जीत के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें बधाई दी। रेखेड़ा और नोताड़ा में नवनिर्वाचित सरपंचों का पूर्व जिला प्रमुख ने स्वागत किया। रानीवाड़ा के ग्लोबल विद्यालय में नवनिर्वाचित सरपंच जेठी देवी और उप सरपंच अलका बोहरा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अजीतगढ़ के राजकीय स्कूल में स्वच्छता मिशन और प्लास्टिक मुक्त मिशन के तहत रैली निकाली गई, प्राचार्य गुलाब सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुंडवा पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों में हुए शांतिपूर्वक मतदान में बिंदु जाखड़ सरपंच चुनी गई। गढ़ी पंचायत समिति की पंचायतों में भाजपा समर्थित सरपंच जीते, जिनका स्वागत विधायक कैलाश मीणा ने किया। वीरपुर पंचायत में सरपंच पद पर सुभाष निनामा ने 563 मतों से बड़ी जीत हासिल की। कुंडला ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव संपन्न हो गए, इस चुनाव में युवा अशोक डामोर पहली बार सरपंच बने। बांसवाड़ा के लालावाड़ा, जालिमपुरा और भी कई जगहों पर देर रात सरपंच चुनाव में हारे प्रत्याशी समर्थकों ने पथराव शुरू किया। पोलिंग बूथ पर बस में आग लगा दी और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रेल ग्राम पंचायत से नीलेश रावत सरपंच बने, रावत का ग्रामीणों ने किया स्वागत। पुलिया कला में तीसरे चरण के मतदान की तैयारी लगातार जारी, गाजे बाजे के साथ प्रचार में जुटे हैं प्रत्याशी। झुंझुनू के नवलड़ी में विकास के नाम पर इस बार पंचायत चुनाव में वोट मांगे जा रहे हैं सरपंच पद के 3 उम्मीदवार मैदान में। नरबतखेड़ा ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच आनंद सिंह गहलोत ने पदभार संभाल लिया, विकास को प्राथमिकता बताया। पीसांगन उपखंड के अखेपुरा में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पीसांगन पंचायत समिति क्षेत्र में सरपंच पद के दावेदार और जीते हुए सरपंच उपखंड कार्यालय पहुंचकर अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा उपखंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए नजर आए। समरालिया ग्राम पंचायत में सरपंच जनता देवी ने पदभार संभाल लिया, जनता देवी ने 101 वोट से जीत हासिल की। गुटियाना ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर पुखराज कलवार और उप सरपंच पद पर देवकरण गुर्जर विजेता रहे, पद और गोपनीयता की शपथ। बनेटा के सुभद्रा मीना ने 1076 वोट से जीत हासिल की, सरपंच निर्वाचित हुई। अलीगढ़ में पंचायती राज के इतिहास में पहली बार मुस्लिम समाज से सबिया बी सरपंच पद पर निर्वाचित। कोल्या ग्राम पंचायत से उप सरपंच पद पर जमुरी देवी प्रजापत का निर्वाचन हुआ है। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के लिए लगातार तैयारियां हो रही हैं। टोडा राय सिंह मालपुरा में अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसको लेकर एसडीएम सूरज सिंह नेगी ने बैठक की। पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने लोक कलाकारों की मदद से लांबा कला ग्राम पंचायत में लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। हरियाणा ग्राम पंचायत में 29 जनवरी को होने वाले तीसरे चरण के मतदान को लेकर उम्मीदवार घर घर दस्तक दे रहे हैं। 6 उम्मीदवार मैदान में यहां पर हैं। ओबीसी महिला सीट होने के चलते महिलाएं प्रचार में जुटी हुई दिखाई पड़ती हैं। कालाऊना ग्राम में नाम वापसी के बाद 5 महिला उम्मीदवार अब मैदान में हैं। सामान्य महिला सीट होने की वजह से चुनावी बैठकों के साथ साथ अब घर घर उम्मीदवारों की दस्तक हो रही है।
पंचायत डाबलाबोज में तरवर सिंह सरपंच पद पर विजयी रहे। इससे पहले इनकी पत्नी जसकंवर यहां से सरपंच थी। पिड़ावा पंचायत समिति में शेरपुर पंचायत में सरपंच पद पर 86 वर्षीय गंगाराम ने 19 मतों से जीत हासिल की। पिड़ावा पंचायत समिति की सबसे हॉट सीट मानी जा रही ग्राम पंचायत दाता से मांगूबाई ने 935 मतों से भी बड़ी जीत हासिल की है। पुड़ो की ढाड़ी ग्राम पंचायत में मतदान के दौरान पिस्तौल दिखाकर मतदाता को डराने की कोशिश का मामला भी सामने आया। पुलिस आरोपी की तलाश में पिस्तौल को जब्त कर लिया गया। नवगठित भूसावर पंचायत समिति में सरपंच पद पर विजयी प्रत्याशियों को पंचायत मुख्यालय पर ही पद और गोपनीयता की शपथ दिलाकर प्रमाण पत्र दिए गए। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा के निवास पर लगातार बधाइयों का दौर जारी रहा। नव निर्वाचित सरपंच उप सरपंच समेत कार्यकर्ता विधायक निवास पर पहुंच रहे हैं। पीलबंगा के हासलिया गांव में सरपंच चुनाव परवान पर सरपंच पद की दावेदार महिला उम्मीदवार नाहिदा रफीक लोधी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत टिब्बी से संतोष सुधार के सरपंच पद पर विजयी होने पर समर्थकों ने खुशी का इजहार किया। देसरी ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच केसराम भील और 17 वार्ड के नवनिर्वाचित वार्ड पंच को शपथ दिलाई गई। खैराबाद पंचायत समिति क्षेत्र में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जोरों पर। प्रत्याशी गांव गांव में जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। कुंदनपुर में नवनिर्वाचित वार्ड पंच ने उप सरपंच का चुनाव किया, बाद में सरपंच और उप सरपंच का स्वागत किया। उमरणी में नवनिर्वाचित उप सरपंच संगीता बंजारा का स्थानीय विधायक समाराम ग्रासिया ने माला पहनाकर स्वागत किया। पौली पंचायत की सरपंच कमलेश देवी जोशी बनी हैं। जोशी ने अपने प्रतिद्वंदी शना परवीन को 266 मतों से हरा दिया। ऊंटालड़ से नवनिर्वाचित सरपंच रामप्यारी देवी और धनानाथ सिद्ध का ग्रामीणों ने किया स्वागत। जैतसर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 4 बीएलडी में प्रार्थना कार्यक्रम के दौरान नवाचार करते हुए विद्यार्थियों ने नए रूप से प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। जैतसर में सेंट्रल एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्री बोर्ड परीक्षाओं का किया गया आयोजन। नरसाना में महेंद्र ट्रैक्टर की तरफ से ग्राहक मिलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। साधु शहर में टिड्डी दल ने एक बार फिर से दस्तक दी, किसानों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। जसरासर में एक विवाहिता ने पीहर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, पुलिस मामले में कर रही है जांच। बीकानेर के कुलायत में पुलिस थाने में स्वागत कक्ष का भूमि पूजन सीओ और एसएचओ की मौजूदगी में हुआ। नपासर में सर्दी के चलते लोग परेशान, अलाव का सहारा ले रहे हैं। श्रीडूगढ़ में तेज रफ्तार टैंकर ने 11 भेड़ों को कुचल डाला, लखासर गांव के पास हुए हादसे के बाद से ही लोगों में गुस्सा। डूंगरपुर के धम्बोला में एक निजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के तहत धम्बोला थाने का भ्रमण किया। डूंगरपुर जिले के कनबा गांव में विद्या निकेतन स्कूल की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पथ संचलन किया गया। पिछवाड़ा के नंदलाल लबाना को शिवसेना का जिला संयोजक नियुक्त किया गया। शिवसेना के प्रदेश प्रमुख लखन सिंह पवार ने लबाना को नियुक्ति पत्र दिया। लाखेरी के गांधीपुरा में एक युवक को चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। युवक अरविंद गुर्जर को कोटा रेफर किया गया। लाखेरी कस्बे के 108 एम्बुलेंस सेवा का फायदा यहां पर लोगों को नहीं मिल रहा, लंबे वक्त से खराब एम्बुलेंस को धक्का लगाकर चलाना पड़ता है। बूंदी के श्याम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर श्याम कथा का पोथी यात्रा जुलूस के रूप में यहां पर निकाली गई। जैसल में सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में छात्र छात्राओं को गर्म जर्सियां बांटी गई। फतेहपुर में कड़ाके की सर्दी के चलते जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है, तापमान लगातार गिर रहा है। लक्ष्मणगढ़ के मोदी विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस और वार्षिक उत्सव समारोह यज्ञ अनुष्ठान और आध्यात्मिक प्रवचनों के साथ शुरू हुआ। रानीवाड़ा के मालवाड़ा में जोधपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन से उतरते वक्त एक यात्री का पैर फिसलने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। रानीवाड़ा के जाखड़ी गांव में फैली बीमारी से 12 से ज्यादा बकरियों की मौत का मामला सामने आया। फतेहपुर के पास दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई, हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। भीनमाल में बीवीपी की तरफ से श्रीमाल वंदन कार्यक्रम का हुआ आगाज। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गहलोत और जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने लिया हिस्सा।
अहोर में एनसीसी जूनियर वर्ग एक के प्रमाण पत्र की परीक्षा राजकीय विद्यालय में आयोजित की गई। लाडनू में ग्राम पंचायत आसोटा के गांव भियाड़ी और खानपुर के लोग रोडवेज के ड्राइवर की मनमानी से परेशान हैं, निर्धारित रूट पर बस नहीं चल रही। जसवंतगढ़ के सुजला महाविद्यालय में भित्त चित्र प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। जुजाड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर हंगामा हो गया, पुलिस को समझा बुझाकर मामला शांत कराना पड़ा। मधुकला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मेवड़ा में अच्छीनाथ मंदिर में चोरों ने दानपात्र पर हाथ साफ कर दिया। दौसा के रेटा गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को स्कूल की साफ सफाई और बर्तन धोने पड़ते हैं, ऐसे में भविष्य कैसे बनेगा। थानागाजी कस्बे में आदर्श विद्या मंदिर के छात्रों ने पथ संचलन किया जिसका जगह जगह स्वागत हुआ। वाहनों में जेब तराशी करने वाली एक अधेड़ को भिवाड़ी पुलिस ने पकड़ लिया। सिकंदरा में बड़े पैमाने पर पत्थरों की नक्काशी का काम होता है, लेकिन इस दौरान धूल और पत्थर के छोटे कणों से बचने के लिए कोई उपकरण मजदूरों को नहीं दिए जाते। तनागाजी कस्बे में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाला मुख्य अभियुक्त अभिषेक और उसके सहयोगी को पकड़ लिया गया। दसगे गीजगढ़ में राजकीय पशु अस्पताल में अव्यवस्थाओं के चलते पशुपालक परेशान। समलेटी गांव में नरेश मीणा नाम के युवक की बीमारी से मौत के बाद स्थानीय युवाओं ने सोशल मीडिया की मदद से पीड़ित परिवार को 55,000 रुपए की मदद की। जयपुर के सचिवालय में नाबार्ड की राष्ट्रीय संगोष्ठी में अलवर की बांसूर की मनीषा देवी को उत्कृष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बांसूर ब्लॉक के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नए चयनित उप स्वास्थ्य केंद्र पर काम करने वाले मेडिकल स्टाफ के लिए 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। मॉडल में फर्जी पट्टे के कागज दिखाकर लाखों की ठगी का मामला सामने आया, पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शाहपुरा में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ समिति के बैनर तले बसपा ने धरना प्रदर्शन किया। शाहपुरा के चौचलिया बालाजी मंदिर में विष्णु महायज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। पिलियाकला के हुकुमपुरा में संतोषपुरा गांव में दूषित पानी के चलते 60 से ज्यादा लोग त्वचा की बीमारी से पीड़ित। किरोड़ के मोहम्मद सलीम ने टाटा मुंबई मैराथन में हिस्सा लिया, 42.197 किलोमीटर की मैराथन तय वक्त से पहले ही पूरी कर ली। झुंझुनू के दुराना में करियर महाविद्यालय में आयोजित स्पोर्ट्स मीट 2020 के दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। बगड़ में शिव ओंकार माहेश्वरी तकनीकी संस्थान में जारी व्यावसायिक कौशल और दक्षता प्रदर्शनी में बच्चों ने विज्ञान से जुड़े गए कई मॉडल्स पेश किए। शिमला कस्बे में शहीद सुरेश सिंह राजकीय स्कूल लांबी सहड़ में भामाशाह भगवंत सिंह शेखावत ने पंचायत सहायक कैलाश शर्मा की पहल पर 30 जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर दिए। टोडा भीम के मोरड़ा में भागवत कथा के समापन पर आयोजित किया गया विशाल भंडारा। टोडा भीम के सागरवाड़ा के राजकीय विद्यालय में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई। यूनिवर्सिटी के मुड़िया गांव में खेत से आवारा पशु भगाने को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक के साथ की मारपीट। यूनिवर्सिटी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इंडौन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं और राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इंडौन सिटी आने पर गुलदस्ता देकर स्वागत किया। सरवाल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भगवान दिवाकर ने जोताया की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। विद्या भारती तिवरी में संचालित आदर्श विद्या मंदिर की तरफ से भव्य पथ संचलन किया गया। फलोदी में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उपशाखा ने उपखंड अधिकारी यशपाल आहूजा को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षक संघ लोहावट के बैनर तले शिक्षकों ने शाला दर्पण पर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का विरोध जाहिर किया है। सरकारी स्कूल में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने से दूरदराज इलाकों में इंटरनेट के अभाव में शिक्षकों को परेशानी हो रही है। असनावर ग्राम पंचायत से प्रमिला पाटीदार ने 1766 मतों की साथ जीत हासिल की। गंगधार क्षेत्र में गागरिन पेयजल परियोजना की पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पानी व्यर्थ बह रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम ने पचपदरा विधानसभा के बालूतरा राजकीय नाहटा अस्पताल का किया निरीक्षण। अमर शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस के मौके पर बाड़मेर में कई कार्यक्रम रखे गए। चौटन के हनुमान जी के मंदिर से दानपात्र चोरी होने का मामला सामने आया। पहाड़ी ग्राम पंचायत में बस स्टैंड पर शराब के नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को नाले में ही गिरा दिया। एक पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जनूथर में एकल अभियान के दौरान रथ उत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन।
भरतपुर की वैर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ललिता मुड़िया में राजकीय स्कूल में बड़े बच्चे गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे। बाडवी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दंत चिकित्सकों की तरफ से मोबाइल डेंटल वैन में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 62 बच्चों का इलाज किया गया। छोटी सादड़ी पुलिस ने हरे मटर से भरे ट्रक से 1 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया। दो आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर में स्टेशन रोड पर चोरों ने गोदाम के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी का को अंजाम दिया। धौलपुर में पीएम किसान योजना अंतर्गत कृषकों को देय भुगतान के लिए जिले के समस्त गिरदावर और पटवारियों की बैठक की गई। छोटी सादड़ी के राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में अधिकारी और कर्मचारियों ने साफ सफाई की। भद्रा के उत्तराबास गांव में स्वर्गीय राजेंद्र सिंह किरोड़ीवाल की पहली पुण्यतिथि पर उनके परिवार के लोगों ने मेडिकल शिविर लगाया। देसुरी चारभुजानाथ नाल में मध्य प्रदेश से आ रहा गुड़ से भरा एक ट्रक तेज रफ्तार से चलते हुए चट्टान से टकरा गया। देसुरी के गुड़वाड़ सांस्कृतिक शोध संस्थान की एक बैठक हुई। 2020 के कैलेंडर का भी विमोचन हुआ। देसुरी में लालराई मार्ग पर एक बाइक सवार असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराया। बाड़ी बस्ती में घंटाघर की घड़ी कई दिनों से खराब होने के चलते नगर पालिका अध्यक्ष को नई घड़ी लगवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। राजाखेड़ा में सोशल मीडिया पर वायरल हुए फायरिंग के एक वीडियो के मामले में धौलपुर पुलिस ने आरोपी को अवैध हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। सांगोद में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मोहिकला में मेगा हाईवे पर लगे संकेतक बोर्ड काफी पुराने हो चुके हैं, रात के वक्त दिखाई नहीं पड़ते। हरियाणा के बलाड़ गांव में नलकूप 5 महीने से खराब होने के चलते पेयजल सप्लाई ठप। पोखरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक शिविर लगाया गया। शिविर में ग्रामीणों को ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर जानकारी दी गई। अब रोड में पिकअप के पीछे लगा ट्रॉला खुलकर एक दुकान में जा घुसा। सुरे के दानवाव में स्कूलों में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। साकड़ा गांव से गायब बच्चे को सवाईमाधोपुर चाइल्ड लाइन ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सवाईमाधोपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले जिला स्तरीय समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चूरू के सांडवा थानाधिकारी इंद्रलाल शर्मा की तरफ से थाना परिसर में कंबल दिए गए। थानाधिकारी के मुताबिक गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल दिए गए। सरदारशहर के श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के का एक बैठक की बैठक रखी गई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर आईटी प्रबंधक जयपुर के जसवंत सिंह, श्रीकांत शर्मा, उद्मीराम और विक्रम सिंह का सम्मान किया गया। तारानगर में छात्र संघ अध्यक्ष सुमन नाई के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर अज्ञात वाहन ने किशोरी को मारी टक्कर। इलाज के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया। गोगुंदा में सुभाष जयंती पर विद्या निकेतन स्कूल के बालक बालिकाओं ने विराट पथ संचलन किया। पथ संचलन में अनेक तरीके की झांकियां दिखाई पड़ रही थी। गोगुंदा क्षेत्र में पहली गौशाला की नींव टिटोड़ा गांव के पास रखी गई। टेनवाल कस्बे के चिराग को दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। चिराग फरवरी 2019 में अमेरिकन मैथमेटिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल भी हासिल करते हुए नजर आए थे। समरलेक में बलाई समाज के मोक्ष धाम पर स्वर्गीय भारती देवी चौहान की द्वितीय पुण्यतिथि के मौके पर सैकड़ों वर्ष पुरानी नंदी बाबा की समाधि का जीर्णोद्धार करवाया गया। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन समेत परिवार के लोग और सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। बानपुर कलां कस्बा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह मनाया गया। जरान प्रचेता रसीला शर्मा ने यह कहा कि बाल विवाह और दहेज प्रथा का विरोध होना ही चाहिए। कुलबुद्धि के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सेमिनार रखा गया। इस मौके पर राजकीय सरदार जनाना अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर व्याख्यान दिया। कोटपुतली में गैर संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर एनसीडी के 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। बीसीएमओ डॉक्टर रामनिवास यादव ने बताया गैर संचारी रोगों की जन समुदाय में जागरूकता लाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।
भीलवाड़ा की मेजा नहर में भ्रूण तैरता हुआ पाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, भ्रूण को कब्जे में लिया। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला इस बुलेटिन में।